हेलो एवरीवन। तो आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो 3 टाइम के लिए आप उसको कभी भी बना सकते हो, चाहे टिफ़िन हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे डिनर में आप कभी भी बना सकते हो। बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगी और सभी को पसंद भी आएगी। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक इन जल शाही पकवान में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे हम बनाएंगे लौकी के पराठे। तो लौकी के पराठे बनाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं लौकी। तो लौकी को हम यहाँ पे हाफ ही ले रहे हैं, पूरा लौकी नहीं ले रहे। ये 500 ग्राम है तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम ही मैंने लौकी यहाँ पे ले लिया है। इसको पील ऑफ कर लिया है। अब ये पील ऑफ हो चुका है तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको कद्दूकस कर लेंगे। तो एकदम हमें यहाँ पे कद्दूकस कर लेना है ग्रेटर की हेल्प से। तो ये कद्दूकस होता जा रहा है, तो आप देख सकते हो कि हमारा बिल्कुल कद्दूकस हो चुका है। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। तो अब हम यहाँ पे ले रहे हैं थोड़े से धनिया, ग्रीन चिली, अदरक ले रहे हैं और यहाँ पे लहसुन लिया है। इस सारी चीज़ों को हम यहाँ पे ऐसे कूट लेंगे। आप चाहे तो मिक्सी में भी डालना चाहते हो तो मिक्सी में भी आप क्रश कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ही है तो हम यहाँ पे उसको ऐसे कूट ले रहे हैं। और अगर आप मिर्ची ज़्यादा खाते हो तो आप ज़्यादा मिर्ची ले सकते हो। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं परात, उसी के अंदर हम यहाँ पे डाल रहे हैं गेहूं का आटा। तो हमने यहाँ पे 2 कप गेहूं के आटे लिए हैं। ये मेज़रमेंट से यहाँ पे आपके 15 से 16 पराठे बनेंगे। तो अब हम यहाँ पे जो लौकी लिया है ना, तो लौकी को ऐसे स्क्वीज़ कर लेंगे, जो पानी आएगा वो हम यहाँ पे पूरा निचोड़ लेंगे। और ऐसे ही हम यहाँ पे निचोड़ते जाएंगे और पानी बिल्कुल हमें यहाँ पे नहीं डालना है। तो ऐसे ही आटे के साथ हम जो लौकी है वो मिला देंगे, और जो हमने कद्दूकस किया था ना जो मसाला, वो भी इसी के साथ हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे हल्दी डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, हींग डाल रहे हैं, गरम मसाला डाल रहे हैं, फिर यहाँ पे जीरा डाल रहे हैं और धनिया पाउडर भी साथ में डाल रहे हैं। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं ऑयल। तो ऑयल हमने यहाँ पे 5 से 6 टेबल स्पून यूज़ किया है। इससे क्या होगा कि हमारे जो पराठे है वो एकदम खस्ता बनेंगे। तो इसको हम आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लौकी है, मसाले जो हमने डाले हैं वो है, ऑयल है, वो सारी अच्छी तरह से हमें यहाँ पे मिक्स कर देना है। मिक्स जैसे ही हो जाए तब हम जैसे रोटी का आटा सानते हैं, बस ऐसे ही आटा हमें यहाँ पे सान लेना। बिल्कुल हमें यहाँ पे ज़्यादा सख्त भी नहीं सानना है और ज़्यादा नरम भी हमें नहीं सानना है। जैसे रोटी का हमें सानते हैं बस ऐसे ही हमें यहाँ पे रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरह से हमारा जो आटा है वो सान लिया है। अब यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और आटे के ऊपर हम यहाँ से लगा देंगे ऑयल से, ताकि ये जो हमारा आटा है वो बिल्कुल चिपके नहीं। तो हम छोटे छोटे लुए बना लेंगे और जैसे हम रोटी बेलते हैं बस ऐसे ही हम यहाँ पे पराठे बेल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप की तरह मैं आपको पराठे बताऊँगी कि कैसे आप ट्रायंगल आपके हिसाब से बना सकते हो। तो यहाँ पे हम पहले एक रोटी जैसा ही बेल लेंगे, जैसे रोटी बेलते हैं बस ऐसे ही हम यहाँ पे रोटी बेल लेंगे। तो सूखा आटा डस्ट करिए ताकि ये क्या है ना कि चिपके नहीं लौकी है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑयल थोड़ा सा उसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे और थोड़ा सा हम जो सूखा आटा है वो भी थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे इसके ऊपर, और बीच में से हम चाकू की हेल्प से ऐसे कट कर लेंगे और ऐसे फोल्ड करते जाएंगे इसी हिसाब से। तो क्या है कि आपका ट्रायंगल जो पराठा है वो अच्छी तरह से ये बनेगा। तो थोड़ा सा हम फिर से सूखा आटा डस्ट करके ट्रायंगल शेप में हम उसको बेल लेंगे। बहुत ही इजी है, जो न्यू बिगनर्स है वो उसको भी अच्छी तरह से ये हमारा जो पराठा है वो आप उसको बेल सकते हो। आप चाहे तो राउंड शेप में भी बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि ट्रायंगल ही शेप बनाना है। तो यहाँ पे हमारा जो 1 मेथड है वो रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हो ज़्यादा हमें मोटा भी नहीं बेला है, ज़्यादा हमें पतला भी नहीं बेला है। तो यहाँ पे हमने तवा है वो गर्म हो चुका है, इसको हम अलट पलट करके हम उसको सेक लेंगे। आप चाहे तो घी में सेक सकते हो, बटर में सेक सकते हो, हम यहाँ पे ऑयल में ही सेक रहे हैं। तो इसे अलट पलट करके हम थोड़ी सी ऐसे सेक जाए उसके बाद ही हम यहाँ पे ऑयल अप्लाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी तरह से हमारा जो पराठा है वो सेक चुका है। तो अब हम उस ऑयल की हेल्प से हम उसे और सेक लेंगे। तो है ना, बहुत ही इजी तरीके से बन जाने वाले हमारे पराठे। और आप कभी भी उसको टिफ़िन में भी, बच्चों को भी आप टिफ़िन में दे सकते हो, सुबह ब्रेकफास्ट में भी आप उसको खा सकते हो। तो ये हमारा जो पराठा है वो अलट पलट करके हमने यहाँ पे सेक लिया है। तो अब हम उसको निकाल लेंगे और इसी तरह से हम दूसरा पराठा यहाँ पे बनाएंगे। तो दूसरा पराठा भी हम यहाँ पे छोटा सा जैसे पूरी बनाते ऐसे ही हमें यहाँ पे पूरी तक ही हमें यहाँ पे बेल लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डस्ट करेंगे, ऑयल लगाएंगे।
तो यहाँ पे पूरी रोटी हमने नहीं बनाई, सिर्फ हमने यहाँ पे जैसे पूरी बेलते हैं बस इतना ही हमें यहाँ पे बेला है और उसको फोल्ड कर दिया है। और इसके बाद फिर से हमने अप्लाई किया है ऑयल और डस्ट किया है आटे से, और फिर से हम यहाँ पे ट्रायंगल शेप में हम आपको बेल लेंगे। तो जो भी मेथड आपको इजी लगता है वो मेथड से आप यहाँ पे ट्रायंगल पराठा बना सकते हो। दो तरह के मैंने यहाँ पे पराठे आपको बताए कि किस तरह से आप पराठे ट्रायंगल बना सकते हो इजी तरीके से। जो भी आपको मेथड इजी लगे उसी हिसाब से आप बना सकते हो। तो यहाँ पे हम बेल लेंगे, ज़्यादा मोटा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं। तो ये हमारा पराठा रेडी हो चुका है, तो इसको भी हम यहाँ पे सेक लेंगे तवे पर ही। तो इसको उलट पलट करके हम यहाँ पे सेक लेंगे ऑयल से। तो आप इसको पराठे को आप पनीर की सब्ज़ी के साथ, कोई भी सब्ज़ी के साथ आप खा सकते हो। मैंने यहाँ पे आलू की सूखी भाजी है वो बनाई है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे पराठे बेलते जाएंगे और बनाते जाएंगे। साइड में आप राउंड शेप बना सकते हो, स्क्वायर शेप भी बना सकते हो, ट्रायंगल शेप बना सकते हो। तो अब हम यहाँ पे आलू की सूखी भाजी बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे बॉइल्ड किया हुआ आलू लिया है, हमने यहाँ पे 6 से 7 हमने मीडियम साइज़ के लिया है। तो इसको हम यहाँ पे चॉप कर लेंगे, ज़्यादा मोटा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं, हमने यहाँ पे मीडियम साइज़ के हम यहाँ पे चॉप कर लेंगे। तो इस तरह से हमें सारों आलू को हमने यहाँ पे चॉप कर लिया है। अब हम क्या लेंगे, कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई के अंदर हम यहाँ पे डाल रहे हैं ऑयल। तो ऑयल हमने लिया है यहाँ से 2 बड़े चम्मच लिया है। तो ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए तो हम यहाँ पे तड़का दे रहे हैं जीरे से। साथ में डालेंगे हम यहाँ पे हरी मिर्च कटी हुई, और हम डालेंगे हल्दी पाउडर, गरम मसाला, हींग डालेंगे, और जो हमने चॉप किया था ना आलू, बस वही इसके साथ डाल के हम यहाँ पे मसाले के साथ हम उसको मिक्स कर देंगे। और गैस की जो फ्लेम है वो हमें यहाँ पे लो रखना है। हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और जीरा, धनिया पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो चाट मसाला डाल सकते हो इसके अंदर, जो प्याज आपको पसंद है तो प्याज भी डाल सकते हो, टमाटर डाल सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे बिल्कुल सादी तरीके से सूखी भाजी बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे नींबू डाल रहे हैं, 1 नींबू हमने यहाँ पे निचोड़ लिया है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे धनिया भी से गार्निश कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे जो लौकी के पराठे हैं और सूखी भाजी है आलू की, वो रेडी हो चुके हैं। तो कभी भी जब भी आपका मन करे तब आप उसको खा सकते। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।